नमस्कार, आप देख रहे हैं अंजन गांव सुरजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अंजन गांव सुरजी में घर टैक्स की बढ़ोतरी को लेकर लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। लोग इस विषय को लेकर तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं। लोगों में एक नाराजगी का सुर नजर आ रहा है। हमारे साथ इसी विषय को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के अंजनगांव विधानसभा क्षेत्र के आमदार बलवंत भाऊ वानखड़े, हम उनसे बात करेंगे। भाऊ, घर टैक्स में बढ़ोतरी की गई है और काफी बड़ी मात्रा में टैक्स में बढ़ोतरी की गई है, आप क्या कहने चाहिए? घर टैक्स में बढ़ोतरी हो गई है, बराबर है। मैं सीओ से मैंने बात किया तो जो 15 तारीख तक अपील करने को हम ही लोगों से अपील करेंगे कि 14 तारीख तक आप जो भी लगता आपको वो देखे, उन्होंने वहाँ पर अर्जा करना, अपील करना। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के शहर के अध्यक्ष है प्रदीप देशमुख, वो भी ये काम कर रहे हैं, उनके पास अर्जा दो और अर्जा देने के बाद अपन कम करने के लिए प्रयास करेंगे। लोगों का, नागरिकों का कहना है कि ना रास्ते बने हुए हैं, ना नालियां बने हुए हैं, ना घरों के सामने झाड़ लगे हुए हैं, उसका भी जो कर आकरणी है वो भी बढ़ाई गई है, उस पर क्या कहना है? वो जो रहता वो जो शासकीय नाम से रहती उसके वो हिसाब से वो रहता, दीवाबत्ती कर, झाड़ का कर, रोड का टैक्स, ये सब उसमें रहते। वो यहाँ नगर पालिका का विषय नहीं, वो ऊपर से वो जीआरबी रहता, उसके हिसाब से वो लगे हुए, पर जो भी ज्यादा लगे है उसके लिए हम कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने अभी तक इस विषय को लेकर क्या प्रयास किया है, किससे बात हुई है आपकी, क्या इसमें समाधान कारक उत्तर आपको मिला है, क्या आप इसका निराकरण कर पाएंगे? मैंने एक बार नहीं, चार पांच बार मैंने सीओ से बात की इसके बारे में और सीओ को निर्देश दिया कि ये जो लोगों की तकरारी है, जो लोगों का कहना है वो आपके यहाँ में लो और उसका निराकरण करो। इस विषय को लेकर क्या आप आने वाले हिवाड़ी अधिवेशन में या विधानसभा में इसका मुद्दा मांगेंगे? मुद्दा मांगूंगा मैं कि जो टैक्स जितनी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, अब नगर पालिका ने अगर नहीं कम किया तो मैं विधानसभा में लूंगा मुद्दा। तो ये थे हमारे साथ दरियापुर अंजनगांव सुरजी विधानसभा क्षेत्र के आमदार बलवंत भाऊ वानखड़े, जिनको आपने सुना। वो टैक्स को लेके अपनी जो कोशिश है वो कर रहे हैं। आने वाले दौर में पता चलेगा कि किस तरीके से नागरिकों का रुझान बलवंत भाव वानखड़े अपनी ओर खींचते हैं। जावेद शाह, अंजनगांव सुरजी न्यूज। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए अंजनगांव सुरजी न्यूज में। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अंजनगांव सुरजी न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।